भावार्थ हे अग्नि, तू ही उत्तम दाता तथा क्षीण न होने वाला है, इसलिए सब तेरी स्तुति करते हैं। तू ही सूर्य एवं विद्युत के रूप में बादलों को अपनी किरणों से विदीर्ण करके पानी बरसाता है, इसी कारण सब मनुष्य तुझे अच्छी प्रकार प्रकाशित करते हैं। तू भी आलस्य रहित होकर हमारी हवियों को देवों के पास पहुंचा। भावार्थ हे अग्नि, जिससे उत्तम उत्तम तथा मधुर साम मंत्रों का गान किया जाता है, ऐसे यज्ञों में हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। तुम हमारे घरों में सदैव रहो, कभी हमारे घर को छोड़कर न जाओ। तुम ही मानवों का हित करने वाले हो। भावार्थ हे अग्नि, तू शत्रुओं को संताप देने वाला, प्रजाओं का पालक, कभी उपासक का घर छोड़कर न जाने वाला, सभी गृहों का स्वामी, अत्यंत पूज्य, अतः हमें बलशाली बना कि हम में राक्षस तथा पीड़ादायक शत्रु रोग आदि न घुस सकें। साथ ही भूखमी आदि दुर्दैव भी दूर रख। एक शस्यतम सुक्तम। भावार्थ वह इंद्र हमारे द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से की गई स्तुति को सुने। वह बलशाली एवं ऐश्वर्यशाली इंद्र यज्ञ में बैठकर हमारे द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हमारे पास आए। भावार्थ उस स्वयं प्रकाशित एवं बलशाली इंद्र को द्युलोक और पृथ्वी लोक बलशाली तथा उत्तम बनाते हैं, इसलिए वह इंद्र सब देवों में प्रधान है। जो बलशाली तथा उत्तम होता है वह सब में प्रधान होता है। भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, तू हमें सोम रूप अन्न दे। हम जानते हैं कि तू युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाला तथा स्वयं कभी पराजित न होने वाला है। भावार्थ हे इंद्र, तू कर्म से जैसी इच्छा करता है वैसा ही होता है। कर्मों से सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तेरे संरक्षण से चलने वाले हम बल तथा अन्न प्राप्त करेंगे। भावार्थ हे इंद्र, संपूर्ण रक्षण के साधनों से हमें सामर्थ्यवान कर, भाग्यवान की भांति यशस्वी धनवान ऐसे तेरा अनुसरण करें। भावार्थ हे इंद्र, तू स्वर्ण आदि धन का उद्गम स्थान है, इसलिए तेरे दान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भावार्थ हे इंद्र, हम तेरी सेवा करते हैं, इसलिए तू हमें ऐश्वर्य प्रदान कर ताकि हम धन का दान कर सकें। तू हमें गाय तथा घोड़े आदि पशु भी दे। भावार्थ हे इंद्र, तू बहुत सी गायों एवं घोड़ों के झुंडों को दान के लिए देता है, इसलिए ज्ञान पूर्वक स्तुति करने वाले हम शत्रुओं की नगरी को तोड़ने वाले इंद्र की अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। भावार्थ अज्ञानी तथा ज्ञानी जो कोई भी इंद्र की स्तुति करता है वह प्रसन्न होता है। भावार्थ बड़ी भुजा वाला, शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं के नगर तोड़ने वाला मेरी विनती सुने। वह हमारे स्तोत्रों को सुनकर हमारे पास आए। भावार्थ हम इंद्र को सोम यज्ञ में मित्र बनाते हैं, क्योंकि वह इंद्र न पापी है, न निर्धन है और न अयज्ञशील है। मनुष्य पुण्यशाली, धनवान तथा आस्तिक मानव को ही अपना मित्र बनाए। भावार्थ युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले, ऋण को दूर करने वाले, न दबने वाले उग्र वीर को अपने पक्ष में लेते हैं। वह उत्तम रथी दौड़ने वाले घोड़े को जानता है। भावार्थ हे इंद्र, जहाँ से हमें भय होता है वहाँ से हमें निर्भय कर, अपने संरक्षण में हमें बलशाली कर, द्वेष करने वालों और हिंसकों को पराजित कर। भावार्थ हे इंद्र, तू यज्ञ करने वाले के ऐश्वर्य और घर को अधिक बढ़ाता है, इसलिए सोम यज्ञ करने वाले हम तुझे अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। भावार्थ वह इंद्र सर्वज्ञ, सभी शत्रुओं को मारने वाला, श्रेष्ठों का पालन करने वाला होने से हमारे लिए स्वीकरणीय है। वह हम में से जो श्रेष्ठ तथा मध्यम वीर हों उनकी रक्षा करें। भावार्थ हे इंद्र, तू सब शत्रुओं से हमारी रक्षा कर, दैवी आपत्ति को हमसे दूर कर, असुरों के हथियार हमसे दूर कर। भावार्थ हे इंद्र, आज कल तथा अन्य भी दिन अर्थात सदैव तेरी स्तुति करने वाले हमारी रक्षा करें। भावार्थ वज्र को धारण करने वाले इंद्र की दोनों भुजाएं बलशाली हैं। वह इंद्र ऐश्वर्यशाली और बहुत धनवान है।
वह उत्साह प्राप्त करने के लिए सोम रस को ग्रहण करता है। द्विषष्टितम सुक्तम भावार्थ, इस इंद्र को दान कल्याणकारी है, अतः इससे धन प्राप्त करने के लिए इस इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ, इंद्र सबको अपने बल से विशेष उन्नत करता है, अकेला अद्वितीय एक अविनाशी वीर है। भावार्थ, धनाद शीघ्रता से देने वाला इंद्र शीघ्रगामी घोड़े से सब जगह जाता है, उसका वह पराक्रम सचमुच प्रशंसा के योग्य है और उसके दान कल्याणकारी हैं। भावार्थ, हे इंद्र, हम तेरे उत्साह को बढ़ाने वाले स्तोत्रों का गान करेंगे, क्योंकि तू यश की कामना करने वाले यज्ञशील मानव का कल्याण करना चाहता है तथा तेरे दान भी कल्याणकारी हैं। भावार्थ, हे इंद्र, जो सोम रस देकर तेरा आदर करते हैं तथा नमस्कारों से तेरी पूजा करते हैं, उनके मन को तू अधिक बलशाली बनाता है और उन्हें कल्याणकारी धन देता है। भावार्थ, ऋचाओं को पसंद करने वाला यह इंद्र सभी मानवों का निरीक्षण करता है तथा सोम यज्ञ करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बना लेता है और उसे कल्याणकारी धन प्रदान करता है। भावार्थ, जब देवों ने इंद्र का अनुकरण किया तब उन देवों ने बल एवं बुद्धि को धारण किया। इंद्र के नियमों का अनुकरण करने से बल एवं बुद्धि प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, जिस शक्ति एवं बल से तूने वृत्र का वध किया, उस उत्तम बल की मैं यज्ञ में प्रशंसा करता हूँ तथा तेरे उत्तम कल्याणकारी धन को प्राप्त करना चाहता हूँ। भावार्थ, सभी प्राणी तथा काल इंद्र के वश में हैं, वह इन सबका निरीक्षण करता है, वह ज्ञानयुक्त कार्य करके सब जगह विख्यात होता है। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह सब जगह यशस्वी होता है। भावार्थ, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, यज्ञ करने वाले मनुष्य तेरे सुख में रहते हुए तेरे बल को बढ़ाते हैं तथा तेरे कार्य को भी बढ़ाते हैं। भावार्थ, इंद्र के साथ एक हो जाने पर इंद्र उस भक्त को धन प्रदान करता है, तब सब लोग उस भक्त के समर्थक बन जाते हैं, क्योंकि इंद्र का धन सबका कल्याण करता है। भावार्थ, सोमयाग न करने वाले का महान नाश होता है, बहुत सोम रसों को तैयार करने वालों के लिए इंद्र के धन कल्याणकारी होते हैं। त्रिषष्टितम सुक्तम भावार्थ, इंद्र को प्राप्त करने का मार्ग देवों एवं मनुष्यों में सबसे पहले मननशील ज्ञानी ने ही ज्ञात किया। वह इंद्र प्राचीन तेजस्वी प्रशंसा के योग्य तथा ज्ञानी हैं। भावार्थ, वह इंद्र ज्ञानियों को बढ़ाने वाला तथा स्तुति करने वालों को सुख देने वाला है, उसने अंगिरा ऋषियों के लिए गायें प्रदान की। भावार्थ, स्तोताओं की यह इंद्र कदापि हिंसा नहीं करता, इसलिए वे भूतकाल में किए गए तथा आगे किए जाने वाले पराक्रम के लिए इंद्र की स्तुति करते हैं, तब इंद्र उन्हें धन प्रदान करता है। भावार्थ, जब चार वर्ण एवं निषाद ये पांच लोग मिलकर इंद्र के लिए स्तुतियां करते हैं, तब वह इंद्र उन स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होकर अपने सामर्थ्य से शत्रुओं का संहार करता है। भावार्थ, सब मानवों को अन्न का दान यही इंद्र करता है, उस इंद्र से अन्न प्राप्त करने के लिए सब प्राणी कार्य करते हैं और इंद्र की बड़ाई करके उसके यश को बढ़ाते हैं और इस प्रकार अन्न के स्वामी होते हैं। भावार्थ, हे शूरवीर इंद्र, यज्ञ के पालक और तेज से युक्त तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी सहायता प्राप्त करके हम शत्रुओं को पराजित करें। भावार्थ, बलवान इंद्र, रुद्र, वर्षा करने वाले बादल और अन्य देव आपत्ति के समय हमारी रक्षा करें। चतुःषष्टितम सुक्तम भावार्थ, हे इंद्र, तेरा कोई शत्रु नहीं है, तू ज्ञान से द्वेष करने वालों को तथा कंजूसों का नाश कर। भावार्थ, हे इंद्र, तू निकाले गए तथा न निकाले गए सभी प्रकार के सोम रसों का स्वामी है तथा तू ही मानवों का राजा है, तू अपने तेज से द्यू एवं पृथ्वी इन दोनों लोकों को भर देता है। भावार्थ, हे इंद्र, तू मानवों का हित करने के लिए अनेक परतों वाले बादल को तोड़ हम सभी मानव हमारी मदद करने के लिए तुम्हें सदैव बुलाते हैं, अतः तू आकर